पेनलेस लेबर क्या है, किस तरह से हम लेबर को और आसान बना सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ऑपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी वन में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी एपिड्यूरल एनल्जीसिया के बारे में, मतलब जो लेबर पेन कम करने के लिए हम दवाई देते हैं उसके बारे में। लेबर पेन एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन काफ़ी बार पेशेंट्स को बहुत लंबे लेबर के प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। काफ़ी बार दो दो दिन तक पेशेंट्स लेबर में रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और जब बेयरिंग डाउन का टाइम आता है, जब पुश करने का टाइम आता है, तो उनमें वो एनर्जी ही नहीं बचती। पेशेंट्स की लेबर की जर्नी थोड़ा सा आसान बनाने के लिए उनको एपिड्यूरल एनल्जीजिया हम ऑफर कर सकते हैं। एनल्जीजिया मतलब होता है पेन कम या बिना, मतलब हटा देना, और एपिड्यूरल का मतलब होता है हमारी कवर का एक स्पेस। हम इस सिचुएशन में एनेस्थेटिस्ट की हेल्प लेते हैं। एनेस्थीजिया मतलब जो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं वो आते हैं, हम उनको बुलाते हैं। पेशेंट के लेबर के दौरान एक पर्टिकुलर स्टेज पर ही हम एपिड्यूरल एनल्जीसिया दे सकते हैं, जो हम पेशेंट को देखकर असेस करते हैं कि वो उसके लिए अभी फिट है कि नहीं। उनकी बातचीत कराई जाती है एनेस्थेटिस्ट से, और जब वो सेटिस्फाई होते हैं तब पेशेंट को एपिड्यूरल दिया जाता है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पल्स, बच्चे की धड़कन लेबर में बिल्कुल सब नॉर्मल पैरामीटर्स में होना चाहिए, तभी हम उनको एपिड्यूरल ऑफर कर सकते हैं। एपिड्यूरल के दौरान पेशेंट की कमर में एक छोटी सी सुई लगाई जाती है सुन करने के लिए। फिर उसके बाद एक पतले से कैथेटर के थ्रू कंटिन्यूसली जो पेन किलर मेडिसिन है वो हम एडमिनिस्टर करते हैं। इसके दौरान जितने टाइम तक पेशेंट को वो दवाई चलती है, उसको पेन का उतना एहसास नहीं होता, और पेशेंट्स काफ़ी रिलीफ हो जाते हैं। उनको पेन की उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और वो लेबर के प्रोसेस को काफ़ी कंफर्टेबली झेल पाते हैं। और हम इन दैट सिचुएशन जब पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, तो उनको हम लेबर पेन के लिए भी कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। तो बेसिकली एपिड्यूरल एनल्जीसिया एक बहुत ही सेफ और एक बहुत ही अच्छा तरीका है लेबर को आसान बनाने का, लेकिन डेफिनेटली हर किसी को ये नहीं दिया जा सकता, और पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। एनेस्थेटिस्ट के थ्रू उनको मिलवाना बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं के द्वारा ये दिया जाता है। लेकिन एपिड्यूरल लेबर को बहुत अच्छे से पेशेंट को गो थ्रू करता है, और पेशेंट्स इसके बाद नॉर्मल अपने रूटीन में वापस आ जाते हैं। एक बारी एपिड्यूरल की हम मेडिसिन बंद कर देते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट एक घंटे के अंदर चला जाता है, और पेशेंट्स बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। उनके सेंसेशंस, उनका पेन का फीलिंग वगैरह सब वापस आ जाता है। सो एपिड्यूरल से कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, अगर वो प्रॉपर स्टराइल सिचुएशंस में दिया जाए तो। और कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।